मेरा नाम डॉक्टर योगेश वाघेला है, क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ हूँ फिनिक्स हॉस्पिटल गोयल में और फिनिक्स हॉस्पिटल नरोडा अहमदाबाद से। आज हमारे पेशेंट सागर भाई के बारे में बात करेंगे। उनको मसल वीकनेस की बीमारी गुलियन बारी सिंड्रोम के साथ हमारे यहाँ लाया गया था। आए तब विद इन फ्यू आवर्स ही उनको डायग्नोसिस करके जो इमरजेंसी में ट्रीटमेंट जरूरी होती है इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन वो चालू कर दिया था। कंडीशन ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उनको वेंटिलेटर पे रखना पड़ा। 9 दिन तक वो वेंटिलेटर पे रहे। उसके बाद वेंटिलेटर लंबे टाइम पे चलना था ऐसा लग रहा था, इसलिए गले में होल किया गया था, ट्रेकोस्टोमी करनी पड़ी थी। लेकिन धीरे धीरे उनकी कंडीशन में रिकवरी होना चालू हुआ। मसल स्ट्रेंथ पहले सांस के मसल्स में रिकवरी चालू हुई, तो धीरे करके उनका वेंटिलेटर हटाया गया और फिर बाकी की रिकवरी फिजियोथेरेपी और इन सब चीज़ों से आज टोटल 36 डेज के बाद उनको हम सक्सेसफुली डिस्चार्ज कर रहे हैं। उनका ब्रीदिंग अभी एकदम से नॉर्मल हो गया है, वो फूड भी ले पा रहे हैं। वीकनेस है उसकी वजह से अभी भी उनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत रहेगी, लेकिन लाए थे जिस कंडीशन में और जो जान का जोखिम था उस कंडीशन में से वो बहुत ही अच्छी तरह बाहर आ गए हैं। जब भी इतनी लंबी ट्रीटमेंट चलती है तब पेशेंट का सपोर्ट और पेशेंट का रिलेटिव का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज हम सागर से और उनके पेरेंट्स से बात करेंगे। सागर भाई, किस कंडीशन में लाया गया था आपको? हम यहाँ पर आए तो बहुत ही गंभीर परिस्थिति थी। सिर्फ मेरा माइंड, आँख और कान ही जाग गए, बाकी का पूरा शरीर पैरालिसिस था। तो आज मैं जा रहा हूँ तब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पैरों पे खड़े होके भी जा सकता हूँ। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, किस सिचुएशन में लाए थे? हम तो गंभीर परिस्थिति में लाए थे। आज तो ऐसा हो गया कि हमको नया जीवन दे दिया है फिनिक्स वाला। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, जैसे कि अगर कंडीशन क्रिटिकल हो फिर भी अगर समय रहते अच्छी क्रिटिकल केयर टीम और ठीक ठाक आईसीयू में टाइम से ट्रीटमेंट मिले तो हम पेशेंट की जिंदगी बचा सकते हैं। मैं फिनिक्स टीम की तरफ से सागर को जल्दी से स्पीडी रिकवरी के लिए बेस्ट विश दूंगा। थैंक यू।